हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गजल ग्लैम। आई एम गजाला। तो आज मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के नहीं आई हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ क्योंकि मैंने एक ब्लॉगिंग किया अभी, जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था क्योंकि हम बस जस्ट ऐसे ही घूमने गए थे और घूमते घूमते आ गया है, क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी विदाउट इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली उनके लिए जो बनारस से, काशी से, वाराणसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मालिनी अवस्थी हैं, पर अभी आ गई हैं सिंगर मालिनी अवस्थी। ये तो हम लोग के लिए बहुत ही, हम लोग वेट कर रहे थे कि नाव अब चले, लेकिन तो मालिनी अवस्थी आ रही हैं साथ में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पर अस्सी घाट। तो टाइम कितना हो रहा है अभी अस्सी घाट पर हम लोग, जैसा अभी आप देख रहे हैं, ये हम लोग नाव पे बैठ के वेट कर रहे हैं और सवारी आ जाए। 5:30 बज रहा है, तो इसके बाद हम लोग घूमेंगे। यहाँ पूरे 80 घाट है, तो आधे घाट तक हम लोग यहाँ जाएंगे, यानी कि हम लोग घूमेंगे दशाश्वमेध घाट तक जाएंगे इसी नाव से। तो ये शेयरिंग वाली नाव है, देख रहे हैं आप, अभी बड़ी सी नाव है, तो ये शेयरिंग वाली नाव है, इसी नाव से हम लोग जाएंगे। ये सारी घाट है, वो लास्ट जो यहाँ से टर्न हो रही है, रिवर नदी जो टर्न हो रही है, हम लोग वहाँ तक जाएंगे। तो अभी नाव पे बैठ चुके हैं, पीछे उस पार है, उस पार भी लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी लोग घूमने जा रहे हैं ये नाव से पूरा वहाँ तक। तो नाव वाले उस पार का ले रहे हैं 40 रुपये पर सवारी। तो अगर आप जाना चाहें तो वहाँ इस पार जा कर के भी रुक के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है पूरा व्यू, रिवर का व्यू है, पूरा रिवर का व्यू है। तो अभी वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पूरा घाट तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे और वहाँ का पूरा वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ का जो घाट है, सबसे पहले स्टार्ट होता ये पूरा है 80 घाट, यहाँ तक है 80 घाट, वहाँ लिखा हुआ है, सामने मंदिर है तो 80 घाट वहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद ये घाट जैसे ही थोड़ा बदला, ये हो गया आपका गंगा महल घाट, फिर रीवा घाट, तुलसी घाट। तो इसके बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर घाट सब पड़ेंगे, तो वीडियो में अभी जब नाव चलेगी तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी आपको व्यू दिखा देते हैं थोड़ा सा। मोस्टली यहाँ बहुत सारे सिटी के ही लोग होते हैं, शहर के ही लोग होते हैं, बाहर से बहुत ही कम होते हैं, वही लोग डेली शाम में आते हैं, इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब घूमने लायक मौसम हो गया है। उस पर ऊँट भी है, ऊँट की सवारी भी लोग कर सकते हैं, ऊँट है, घोड़ा है, लोग नाव से वहाँ जाते हैं, नाव से जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, शाम तक रुकते हैं। तो लॉकडाउन था तो उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था, 4:00 तक ही लोग रुक सकते थे, लेकिन अब रात तक हो गया है, 9:00 मतलब रात तक नहीं, 7:00 तक लोग वहाँ रुक सकते हैं, इसके बाद घूम फिर करके एंजॉय करके आ सकते हैं। तो ये पूरा रिवर है, अभी पानी थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि ये थोड़ा सा बरसात का मौसम है। तो यहाँ पर अभी आ गई हैं सिंगर मालिनी अवस्थी। ये तो हम लोग के लिए बहुत ही, हम लोग वेट कर रहे थे कि नाव अब चले, लेकिन तो मालिनी अवस्थी आ रही हैं साथ में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले भी हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मास्क पहनी है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो मालिनी अवस्थी हैं, बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास में खड़ी हैं, हम लोग मिलने नहीं जा सकते। देखो अब वोट स्टार्ट कर दिया, देखने को हुआ। तो अभी हमारी नाव चल रही है, यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे दशाश्वमेध घाट, उसके बाद टर्न हो जाएंगे। तो मालिनी अवस्थी मैडम को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, उनकी मुंह माया छोड़ दिए, हम लोग अपना घूमने जाएंगे। तो अब नाव स्टार्ट हो रही है, भैया जी कोशिश में लगे हुए हैं नाव स्टार्ट हो जाए। अब पीछे देखिए मालिनी अवस्थी मैडम खड़ी है, मैंने उनको अभी हाय किया तो रिप्लाई उन्होंने दिया। अब आपको आवाज़ से लेकर कितना ही दे रही होगी। तो अब हमारी नाव चल रही है, घाट को छोड़
काफी फेमस घाट है ये। अब हमारी नाव यहाँ से टर्न हो रही है, यू टर्न हो रही है, उसके बाद हम लोग सीधा वापस जाएंगे। यहाँ को आप फिर देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल सा ये नजारा है, बहुत सुंदर है। बस ये कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, आगे से अब ना हो ऐसा। अभी हमारी नाव जो है ये दशाश्वमेध घाट पर रुकी है, इसके थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। तो मैं अभी आपको व्यू यहाँ से दिखा दे रही हूँ। ये बहुत सुंदर सा व्यू देखिए, इतना सुंदर सा ये नज़ारा है। यहाँ पे ज़्यादातर इसमें बाहर से लोग आए हुए बैठे हैं, बाहर से आपको दिखा रही हूँ। इसका नाम है, हाँ मुझे याद है, इसका नाम अलकनंदा है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर अलकनंदा लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो इसमें बैठते हैं। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये हमारे बनारस की कुछ खास चीज़ें हैं जो शायद ही कहीं और देखने के लिए मिले। घाट पर चलना है तो मास्क भी पहन ले रहे हैं, पहले से पुलिस यहाँ पर खड़ी है। हम मास्क यहाँ कोरोना के नहीं पुलिस वालों से बचने के लिए पहनते हैं। बच्चा कहीं ऊपर पुलिस बैठी है, हमने वहाँ से वॉच कर रही है। ब्यूटीफुल हर दिन बिल्कुल त्योहार जैसा लगता है। ये बोट पहले से तैयार खड़ी है लोगों को घुमाने के लिए, तो अब मैं उतरने जा रही हूँ। थोड़ा सा ये डेंजरस है, हाँ ये सुंदर सी नाव खड़ी है घुमाने के लिए। अब हम वापस जा रहे हैं अपनी फेमस जगह टी स्टॉल, लेमन टी वहाँ पे बैठकर पियेंगे। ये है घाट, गंगा महल घाट, इसके पास ये जो टी स्टॉल है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। भैया यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे BHU का हॉस्टल भी है, छात्रावास भी यहाँ लिखा हुआ है, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी रीवा कोठी हॉस्टल। ये है भैया, ये चाय वाली दुकान है, हम लोग यहाँ अक्सर आते हैं, चाय पीते हैं। ये भैया है मैगी चाय, लेमन टी और दूध वाली चाय बनाते हैं। ये है हमारी फेमस प्लेस। तो अभी मैं यहाँ घाट पर बैठी हूँ, चाय का वेट कर रही हूँ, इसके बाद हम लोग लेमन टी पियेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये ब्यूटीफुल सा खूब सुंदर सा नज़ारा है, उसके बाद लेमन टी। ये है हमारी लेमन टी। आप लोग भी पी लीजिए। तो अभी वापस घर जा रहे हैं क्योंकि अचानक बादल आ गया और बारिश जैसा मौसम हो गया, तो हम लोग सोचे कि जल्दी घर निकलते हैं। तो मैं अभी गाड़ी का वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा घर जाएंगे। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैं जल्दी से भाग गई। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे बाल वाल थोड़े गीले हो गए, तो मैं अभी जाऊंगी चाय बनाऊँ, ड्रेस चेंज करके चाय बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ब्लॉगिंग? मैं बहुत दिनों मतलब करीब 6 साल बाद मैं बनारस के घाट को इस तरह से घूमी हूँ नाव पर बैठ के, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।